नमस्ते बच्चों, आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक की नई कविता सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। बच्चों, इसके कवि है सुमित्रानंद पंथा। इनका सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। कवि का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। स्कूल में 7 वर्ष की आयु में काव्य पाठ के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। इनके आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम तथा रहस्यवाद की अनुभूति दिखाई देती है। आकाशवाणी में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इन्हें पद्म भूषण सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस पद्य का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत कविता में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति कैसे पल पल में अपना रूप बदलती रहती है, ऐसी ही अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों का सुंदरता से चित्रित किया गया है। कवि ने इस कविता में पहाड़ों को मानवीय रूप में चित्रित करते हुए, पहाड़ों पर खड़े विशाल वृक्षों का वर्णन करते हुए उनके मन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप में अभिव्यक्त किया हुआ है। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कविता के पद और उनकी व्याख्या तथा इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ। तो हमारा पहला कविता का पद है पर्वत ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र ध्रुव सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में नीच महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। बच्चों, यहाँ पर प्रकृति वेश का अर्थ है प्रकृति का रूप, मेखलाकार यानि करधनी के आकार के पहाड़, अपार यानि विशाल असीम, ध्रुव सुमन यानि पुष्प रूपी आँखें, अवलोक का अर्थ है देखना, फाड़ यानि खोलकर, नीच यानि अपना, ताल यानि तालाब। इसका भावार्थ इस तरह से हैं। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का समय था। ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को बदल रही थी। करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे और उस पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आंखें हो और पर्वत उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशाल काय रूप को देख रहा हो। अर्थात उस पर्वत के पास एक विशाल तालाब था जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि वह आईने के समान दिखाई दे रहा था। बच्चों, अगला पद है गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे झरने, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झाक रहे निर्भव निरव नभ, पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। यहाँ पर मद यानि मस्ती, उत्तेजित यानि जोश से भरे हुए, लड़ी यानि माला, निर्झर यानि झरना, उर का अर्थ है हृदय, उच्चाकांक्षा यानि ऊंचा उठने की कामना, निरव नभ का अर्थ है शांत आकाश, अनिमेश यानि एकटक देखना। यहाँ पर इस पद का भावार्थ है कवि कहता है कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हो। उसकी आवाज़ सुनकर नस नस में जोश भर जाता है तथा मन उत्साह एवं उमंग से भर जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग भरे झरते हुए झरने मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों पर उगे ऊंचे पेड़ों के मन में मानो ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी है। वे शांत आकाश को
बिना पलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। जो अगला हमारा पद है, उड़ गया अचानक लोभुधर, फड़का अपार पारत के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, हे टूट पड़ा भूपर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआ जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ पर भूधर यानि पहाड़, अपार यानि असीमित, पारत के पर यानि चमकीले पंखों वाला बादल, शाल यानि पहाड़ी वृक्ष है, रवशेष का अर्थ है केवल आवाज का रह जाना, धस गए यानि नीचे दब गए, सभय का अर्थ है भय के साथ, ताल यानि ताला, जलद यान यानि बादल रूपी यान, विचर विचर यानि घूम कर, इंद्रजाल का अर्थ है जादूगरी भरे कारना में। यहाँ पर इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि कहते हैं जैसे अचानक एक चमकीले पंखों वाले बादल फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है, उसी के कारण झरनों की तो केवल आवाज़ ही सुनाई दे रही है, इसके पश्चात इन बादलों में इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। शाल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे भयभीत होकर धरती में धस गए हों। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई है। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में बैठकर चारों ओर घूम घूम कर अपनी जादुई छड़ी से जादू कर रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति के सब अंगों जैसे कि झरनों, पहाड़ों, बादलों, पेड़ों, तालाब आदि को मानवीय चेतना से परिपूर्ण माना तथा उसकी तुलना मानव के भिन्न गुणों से की है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ पर्वत प्रदेश में पावस। हमने चित्र द्वारा इस कविता को बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ही हमारी कविता पूर्ण होती है। धन्यवाद।